बहन दोनों एक साथ खड़े थे इसी वाले दुकान पे। उस वक्त क्या हुआ, हम लगभग आप और पास में आ जाइए, इतने डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे थे हम लोग ऑरेंज खरीद रहे थे, वो अंकल इतने डिस्टेंस पे थे, कब से बोल रहे हैं कि आप लोग बच्चे थोड़ा डिस्टेंस कर लो, तुम लोग लड़के, हाँ बच्चे नहीं तुम लोग, लड़कियाँ कैसे खड़े हुए हो, थोड़ा एक मीटर का डिस्टेंस रखो। मैंने कहा हाँ अंकल ठीक है कर लेते हैं, ऑरेंज पैक ही हो गया लेके जा रहे हैं। तो कह रहे अरे बात कितनी गंदी हो, तुम लोग समझते नहीं हो, ऐसे जाहिल लोग ऐसे काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा हमारा ऑरेंज पैक हो गया, हम पास में खड़े हुए हैं। मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया कि मैं डॉक्टर हूं, सफदरजंग है, और मुझे पता नहीं लगा कि एक मीटर की डिस्टेंस बना लीजिए ना, आप थोड़ा दूर हो जाइए। फिर फाइनली मैं उनके बोलने पे पीछे आ गई इतना, तब भी वो बोले जा रहे तुम डॉक्टर, जब इन्होंने बोले हम लोग डॉक्टर काम करते, तुम्हारे जैसे गंदे डॉक्टर, अरे तुम्हारे जैसे डॉक्टर वजह से ही कोरोना पूरे इंडिया में फैल रहा, पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, तुम ही लोग। और मैंने बोला कि रूममेट है तो हम दोनों में आपस में क्या डिस्टेंस है, हम लोग साथ में ही रहते। तो कह रहे तुम चाहे एक रूम में रहो एक बिस्तर पे रहो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बदतमीज लड़कियां, कैसी लड़कियां, और तुम किस फैमिली से आई हो, तुम इस तरीके से बात कर रही हो, ये वो मतलब टोटली प्रोवोकिंग। और फिर बोल रहा था, इसको बोलने लगा कि मन तो हो रहा है कि अभी मारूं, ऐसे बोल रहा है बिना कुछ किए, नहीं नहीं तब नहीं मार, तब ऐसे बोल रहा मन तो हो रहा है अभी मारूं। तो ऐसे कैसे तुम किसी को बोल सकते हो, ये जानते हुए भी कि हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तुम इतनी बदतमीजी करो। और फिर जैसे बोल मैं तुम्हारे पर केस ठोक दूंगा, तुम लोग अभी रुको फोन दो। फिर सब्जी वाले से फोन मांग रहा है, जो वहाँ कस्टमर खड़े थे उनसे फोन मांग रहा है, अपना फोन नहीं यूज किया। फिर हम लोग बोले ठीक है फोन करो तुम एक बार, तो कह रहा नहीं नहीं अब मेरे पास फोन नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन लाओ फोन दो तब मैं फोन करूंगा। तो ये सब बहुत गुस्सा है। और फिर इतना प्रोवोक कर रहे थे, फिर अचानक से आके फिर हम लोग को मारने लगा। अच्छा आके आके और हम लोग हाँ आके और मैं और हम मतलब वही हाँ बोलो इधर लेके हम लोग। और फिर वहाँ इतनी गैदरिंग थी, किसी ने कुछ नहीं किया, सब बस खड़े होकर देख रहे थे। फिर मैम थी और उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने दो जन ने हम लोग को बचाया है। और मैं बोलूं अगर हम नहीं होते, अगर हम नहीं होते माहौल खराब कर, हाँ हाँ ठीक है, अगर इसका इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे। हाँ इसको आप हल्के में मत लीजिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव को बोल रहे हैं, पूरे प्रशासन को बोल रहे हैं।